बॉलीवुड में कई शादियों का अंत तलाक पर हुआ, इनमें सैफ अली खान और अमृता सिंह का नाम भी शामिल है। दोनों की प्रेम कहानी एक समय सबकी नजरों में थी। 12 साल बड़ी अमृता सिंह को देखते ही सैफ उन पर फिदा हो गए थे और उन्हें दिल दे बैठे। सनी देओल और रवि शास्त्री से रिश्तों का दर्द झेल रही अमृता को भी सैफ के रूप में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी थी और वो अपने आप को उनके करीब आने से रोक नहीं पाई थी। धीरे धीरे मेल मुलाकातों का सिलसिला प्यार में बदल गया। दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन इसमें अड़चन आ गई। दरअसल दोनों की उम्र में बहुत फासला था, जिसके चलते उनके रिश्ते में इनके घर वाले कतई स्वीकार नहीं कर रहे थे। इसी डर से दोनों ने किसी को नहीं बताया और चोरी छुपे शादी कर ली। जब इनकी शादी की भनक परिवार वालों को लगी तो हंगामा मच गया, लेकिन उनके पास भी इस शादी को स्वीकार करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहने लगे और इसी दौरान उनके घर में पहली बेटी सारा और फिर इब्राहिम के रूप में बेटे का जन्म हुआ। कुछ सालों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर इनके रिश्ते में खटास आनी शुरू हो गई। आखिरकार 13 साल बाद दोनों का सफर तलाक के मोड़ पर आकर जीवन भर के लिए खत्म हो गया। तलाक को लेकर अमृता ने एक बार खुलकर मीडिया से बात नहीं की, लेकिन अब सैफ अपना दर्द जाहिर करने से खुद को रोक नहीं पाए और तलाक का कारण भी बताया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे हर पल बताया जाता था कि मैं एक खराब पति खराब पिता हूँ। हमेशा मेरी माँ बहनों को लेकर अपशब्द कहे जाते थे जो मेरे लिए सुनना दुश्वार हो चुका था। जी हाँ, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइफ से सुरभि की रिपोर्ट।